मोमेंट में आपको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और गेट से ही लात मार के तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखें और यह इन्फॉर्मेशन एक हर एक बच्चे तक अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, आप भी चाहते हो कि पिछली बार आपका जिस प्रकार एक साल खराब हुआ है उस तरह किसी और बच्चे का खराब ना हो, तो इस वीडियो को शेयर करके हर एक बच्चे तक शेयर करो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन यही है कि 2 महीने पहले आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो शरीर भी एकदम मजबूत रहेगा। और ये अब इतने दिन वीडियो नहीं लग रहा था सर, तो कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए? हर एक टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। वीरू फौजी चेस्ट लगाइए, वीरू फौजी बीम लगाइए, 1600 मीटर रेस लगाइए, सारे वीडियो बने हुए हैं। उसके बावजूद भी कुछ गधे जो हैं, गधे ही बोलूँगा उन्हें एक तरीके से, बार बार गलत कमेंट करना, ये क्या हो गया, तुम्हारे पास टॉपिक नहीं है, तुम्हारे पास फलाना नहीं है, तुम्हारे पास गंडा नहीं है। अबे तुम तो चूतिए हो, तो मैं भी क्या चूतिया हूँ क्या? वो जब सब कुछ लगा हुआ है उसके बावजूद तुम बकचोदी कर रहे हो, ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है। अरे बहनचोद, कोई जानकारी हो, कोई काम की चीज़ हो वो तो बताई जाए तुम्हें। अब तुम्हें ये बताऊँ, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें घर में सुरक्षित रहना है या आपने खेत में रनिंग करनी है, ये बताऊँ आपको कि मैदान में जाके रनिंग कीजिए, मैदान में जाके वो कीजिए? खुद समझदार हो आप कि इस समय हमें कहाँ रनिंग करनी चाहिए, कहाँ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम जब खुद समझदार हैं तो इस चीज़ को बार बार रिपीट क्या करना, आपको दिखाया जाए बार बार अलग अलग तरीके से टॉपिक खोज करके, जो टॉपिक है ही नहीं उस पर ही वीडियो बना के आपको दिखाया जाए। इन्फॉर्मेशन की बात ये है और आपको भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है और एक साल में एक बार ही भर्ती देखते हैं और इस बार ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, हो सकता है और डॉक्यूमेंट में आपको छूट मिल जाए, लेकिन इस कोविड वाले सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत दिनों बाद में आपको एक वीडियो मिल रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है आपके लिए। और पिछले साल की तरह बता दूँ कि इस बार भी जो है डॉक्यूमेंट में बदलाव होता रहता है क्योंकि कोविड महामारी चल रही है। इस चक्कर में आप भी सुरक्षित रहें और बाकी बच्चे भी सुरक्षित रहें, इसलिए एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको जो है भारतीय सेना के पूरे प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा शुरुआत में ही। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ करने के बाद में या डॉक्यूमेंट में आपको बाहर कर दिया जाएगा या आपको समय दिया जाएगा। पहले जैसे मार्कशीट नहीं होती थी या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई तो हमें वक्त मिलता था कि जाइए आप लेके आइए और आपके पास इतना वक्त है, इतना समय, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको डायरेक्टली जो है ग्राउंड के बाहर से ही घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? और उसके अलावा बता दूं कि भर्तियों का आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो। पिछले साल भी ऐसा ही वक्त था, चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतीय मुख्यालय से जो है मेन वेबसाइट जो है उसमें बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपकी भर्तियाँ आ रही है, इस ज़िले की भर्ती आ रही है या इस राज्य के इस ज़िले की भर्तियाँ हो रही है या भर्तियाँ आने वाली है। तो आप सोच रहे थे कि बार बार ये रद्द हो जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी। और इसी बीच जो है राजस्थान में भी बहुत जगह भर्तियाँ हुई थी, आपके स्टेट में भी बहुत जगह भर्तियाँ हुई थी, तो ये भर्तियाँ जो है फिर से नोटिफिकेशन आने लगे हैं। तो भर्तियाँ अपने तय समय पर होने वाली है, लेकिन इस बार जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, आप चाहते हो कि 10 दिन में मैं तैयार करवा लूँगा डॉक्यूमेंट, 15 दिन में तैयार करवा लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे कम से कम 2 महीने लग जाएंगे तब जाके आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और भर्ती का नोटिफिकेशन आपको पता है 40 दिन के अंदर अंदर फॉर्म सबमिट हो जाते हैं और भर्तियां जो है नज़दीक आ जाती है, तो इस चक्कर में आप रह न जाएं। इसलिए आपको सबसे पहले ही बता देता हूं कि इस बार जो भर्तियां होंगी उसमें पहले जैसे कोविड की हमें जाँच करवानी पड़ती थी और जाँच करवाने के बाद में हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था कि हाँ आप कोविड पॉजिटिव नहीं हैं और आप भर्ती देख सकते हो। लेकिन इस बार जो है भर्ती मुख्यालय से एक तौर पे पता लगा है अभी कि जो भर्तियां जब होगी उस समय आपसे कोविड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब कोविड सर्टिफिकेट कैसा होगा? तो वो इस प्रकार है, उसमें आपको दोनों वैक्सीनेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि पहला वैक्सीन आपको लगता है उसके 45 दिन बाद में आपको दूसरा वैक्सीन लगता है, और दोनों वैक्सीन लगने के बाद में आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है जो कि हमारे आधार कार्ड से लिंक रहता है और डाउनलोड वो करना पड़ता है हमें। करने के बाद में वो एक सर्टिफाई हो जाता है कि इस व्यक्ति को दोनों वैक्सीन जो है वो लग चुकी है और अब ये जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है सुरक्षित सुरक्षा के दायरे में है। तो वो सर्टिफिकेट आपका आर्मी में जहां गेट पे एंट्री करते हैं हमारी हाइट मापी जाती है वहीं पर चेक किया जाएगा कि क्या इस बच्चे को दोनों वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन में वैक्सीन लगवा लूँगा और मैं तैयार हो जाऊँगा तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि पहली वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम 45 दिन बाद में आपको दूसरी वैक्सीन लगेगी और जब दूसरी वैक्सीन लगेगी तब जाके आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ अब आप सुरक्षित है, तब आप भर्ती देख पाओगे। तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल तैयार कर लें। अभी आपके चाहे तहसील क्षेत्र हो, आपका विधानसभा क्षेत्र हो,
वहां पे जो है कैंप लग रहे हैं जगह जगह, तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, 18 से ऊपर है तो आप, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के आप भर्ती नहीं देख पाओगे। और आपने पहले भी लगाने की कोशिश की तो आपको बता दूं कि इससे हल्का जुकाम बुखार होता है, थोड़ा शरीर भी टूटता है, तो वो कमजोरी भी फील होती है थोड़ी बहुत, तो वो कमजोरी भी फील होगी अगर भर्ती के नज़दीक आपने ये काम करवाया तो। आज आज और अभी इसी वक्त आप अपने मोबाइल से जो है आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए वैक्सीनेशन के लिए, और दोनों डोज जो हैं कोविड की, कोविशील्ड डोज चाहे वो दो प्रकार की चल रही है, दोनों में से जो भी आप लगवाते हैं दोनों लगवा के आप रेडी रहिए, क्योंकि भर्ती के नज़दीक लगवाओगे जुकाम बुखार होगा, शरीर ज़्यादा टूटेगा तो रेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप अपनी रेस का भी ध्यान रखें, साथ में वैक्सीनेशन बिना किसी संकोच के आप करवा लें, चाहे आप रिलेशन भर्ती देखने जा रहे हों, चाहे आप ये आर्मी की रैली भर्ती देखने जा रहे हों, और अपनी तैयारी पर पूरा जोर रखें। और भी आपके कोई संबंधी सवाल हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, और तैयारी अपनी निरंतर रखें ताकि आपका भारतीय सेना में जाने का सपना जो है जल्द से जल्द पूरा हो चुके। सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और वैक्सीन लगवाओगे तो शरीर में जरूर बुखार वगैरह हल्का आएगा, तो उससे शरीर भी टूट सकता है, इसलिए भर्ती से कम 1 महीने पहले ये काम आप करवा के घर पे तैयार रहें, तब जाके कहीं भारतीय सेना का आपका सपना पूरा होगा। अन्यथा हर साल जैसे दौड़ते आते हैं वैसे ही दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, भर्तियां आती रहेगी, और आप जब एज आउट हो जाओ तो घर बैठ के सोचना फिर क्या करना है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और इसके साथ में वैक्सीन आप जरूर करवा लें। जय हिंद, लव यू ऑल, भारत माता की जय।